अमंग द पार्ट ऑफ स्पीच या जिसे शब्द भेद बोलते हैं नाउन कम्स फर्स्ट संज्ञा सबसे पहला आता एंड देयर आफ्टर यूजअली वी गेट प्रोनाउन देयर आफ्टर वी यूजअली गेट प्रोनाउन बट हियर इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन आई एम टेकिंग अपजेक्टिव एंड प्रोनाउन विल फॉलो देअर आफ्टर आप जानते होंगे कि पार्टस ऑफ स्पीच या शब्द भेद के आठ प्रकार हैं और आठ प्रकारों में हमने पहला प्रकार संज्ञा किया विशेषण को जानने के पहले विशेषण के बारे में जानने के पहले थोड़ा सा हम बात करें आपसे मकान बहुत अच्छा है मेरी शर्ट बहुत लंबी है उसकी कार बहुत प्यारी है उसके नंबर बहुत खराब हैं मोहन का खाना बहुत स्वादिष्ट है उसका बातचीत का तरीका बहुत सौम्य है जो क्रिया है उसको आप यहां पे छोड़िए मैं जो बातें कर रहा हूं आपसे अभी जो मैंने आपको बताया या और ले हम सीता बहुत समझदार लड़की है कैसी लड़की समझदार लड़की है मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता उस लड़के को पसंद नहीं करता उसने मुझे पांच आम दिए उसने मुझे पांच आम दिए और एक और ले लें परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है परीक्षा की तैयारी के लिए अब बहुत कम क्या बचा है समय आप इन जो 10-12 वाक्य मैंने कहे आपको इसमें आप क्या कुछ एक कॉमन चीज एक पाते हैं कि सब में एक संज्ञा है चाहे वो बहुत सारी सब में एक एक संज्ञा है और उस संज्ञा के पहले उस संज्ञा के बारे में एक एक शब्द है संज्ञा के पहले संज्ञा के बारे में एक एक शब्द और है आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जब मैंने वाक्य की बात की थी तो मैंने आपको बताया था एक वाक्य में एक वाक्य कई शब्दों से बनता है और हर शब्द हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है एक सब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट होता है एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता ही है फिर मैंने आपको फ्रेज भी बताए मैंने क्लॉज भी बताया एक वाक्य के अंदर ही बहुत सारी जानकारियां रहती हैं उसी तरह हम जो अभी कर रहे हैं वो भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल लर्निंग है अबाउट एवरी सेंटेंस तो यहाँ जो हमने सेंटेंस लिखे हैं आपने देख रहे हैं जो उस सेंटेंस में आप संज्ञा को समझ लीजिए बहुत सरल है क्योंकि संज्ञा क्या है आपको बताया है, किसी वस्तु व्यक्ति निर्जीव सजीव उसके नाम को संज्ञा कहते हैं चाहे ग्रुप हो चाहे अकेले हो उसे संज्ञा कहते हैं तो संज्ञा तो आपके लिए बड़ा सरल हो गया संज्ञा पूरा बहुत सरल अब उन संज्ञाओं के पहले क्या क्या शब्द लिखा हुआ देखिए यदि नीचे से देखें तो बहुत थोड़ा समय समय कितना बहुत थोड़ा आम कितने पांच लड़का कौन सा वो वाला लड़का दैट बॉय वो लड़का इसके बाद कैसी लड़की बहुत क्लेवर लड़की बहुत होशियार होशियार लड़की सीता बहुत होशियार लड़की है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हर नाउन के पहले उस नाउन के बारे में कुछ शब्द हर एक के पहले एक एक शब्द है वो शब्द क्या है नाउन के बारे में कुछ बताते हैं क्या बताते हैं नाउन की संज्ञा की विशेषता बताते हैं तुम अच्छे लड़के हो तुम लड़के हो ये नहीं अच्छे लड़के हो तो लड़के हुआ संज्ञा उसके पहले लिखा है अच्छे तो अच्छे विशेषता बता रहा है ना कैसे लड़के हो अच्छे लड़के हो तो ये जो विशेषता बताते हैं जो शब्द वे कहलाते हैं विशेषण तो विशेषण क्या हुआ विशेषण ऐसे शब्द हैं हर वाक्य में जो विशेषता बताते हैं किसकी विशेषता संज्ञा की विशेषता अंतिम वाक्य संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं फाइन क्लेवर शब्द सीता कैसी लड़की उसके बारे में बताता है फाइव कितने आम दिए बताता है लिटिल कैसी तैयारी उसके बारे में बताता है आदि आदि राइट दैट कैसा लड़का है? कौन सा है लड़का आदि आदि बताता है तो इस प्रकार हम एडजेक्टिव क्या है ये अब हम समझ लिए एडजेक्टिव वह शब्द उसे अंग्रेजी में विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं ए डी जे ई सी टी आई वी ई एडजेक्टिव का अर्थ क्या हुआ एडजेक्टिव का अर्थ है जोड़ा हुआ एडेड टू किससे जोड़ा हुआ है वो शब्द जिसको संज्ञा से जोड़ा हुआ है वो शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो शब्द द वर्ड विच बीन एडेड टू द नाउन द वर्ड विच हैज बीन एडेड टू द नाउन and tells about the quality of noun tells us about something about noun that word is called adjective am i clear that word is called adjective let us see few more because now adjectives are also categorized into different shranis and we will also learn how adjectives are made एडजेक्टिव बनते कैसे हैं मूल शब्द क्या रहता है सो so, यहां देखिए कुछ सम एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल इज द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड अब देखिए दूसरा वाक्य द बॉय इज लेजी लड़का कैसा है सुस्त है और दूसरे में क्या है द बॉय इज लेजी द बॉय इज लेजी मतलब क्या हुआ पहले का द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड मतलब पनिश करना मतलब सजा देना सुस्त लड़के को सजा दी गई और दूसरे वाक्य का अनुवाद क्या है वह लड़का सुस्त है वह लड़का सुस्त है तो यहां पे जो पहला वाक्य है उसमें लेजी जो है वो बॉय की का गुण बता रहा है। कैसा बॉय लेजी बॉय कैसा बॉय लेजी बॉय ये उसका गुण बता रहा सो इन द वर्ड लेजी बॉय लेजी जो शब्द है वो विशेषण किसका है बॉय का और बॉय का विशेषण होने के कारण वो उसके एट्रीब्यूट बताता है तो इसलिए एट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूटिवली उपयोग कर इसका हम कह सकते हैं क्या कहेंगे एट्रीब्यूटिवली यूज्ड यानी लड़के का एट्रीब्यूट बता रहा है उसकी विशेषता बता रहा है और दूसरा क्या है दूसरा जो शब्द है वह दूसरे वाक्य में जो विशेषण है लेजी वो इज के साथ है प्रेडिकेट के साथ है सब्जेक्ट के साथ नहीं है द बॉय इज लेजी सो बॉय इज लेजी जो क्रिया है उस क्रिया के साथ उसका संबंध है विधेय के साथ उसका संबंध है प्रेडिकेट के साथ उसका संबंध तो वो प्रेडिकेट का हिस्सा है वो किसका हिस्सा है प्रेडिकेट का पर है विशेषण दोनों ही स्थितियों में जो लेजी शब्द है वो विशेषण है एडजेक्टिव है लेकिन एक में वो एट्रीब्यूटिवली उसका उपयोग हुआ है और दूसरे में प्रेडिकेट के साथ उसका उपयोग किया गया बट वॉट इज सर्टन इज बोथ

घोस्ट नहीं बोलते इट इज कॉल्ड गोस्ट इज अफ्रेड ऑफ गोस्ट अफ्रेड मतलब भय होना afraid of मतलब भय होना. किस क्रिया क्या है घबराती किससे गोस्ट से तो so यहां पे वो प्रेडिकेटिव उपयोग हुआ है ऐसे ही आई एम क्वाइट वेल वेल जो शब्द है वो मेरे लिए नहीं है एम के साथ जुड़ा है आई एम इट वेल सो यह प्रेडिकेटिव उपयोग हो गया प्रेडिकेटिवली विधेय के रूप में ही कुछ विशेषणों का उपयोग हो सकता है देर आर सर्टन एब्जेक्टिव विच कैन बी यूज ओनली प्रेडिकेटिवली ओनली एज विधेय एंड नॉट एज द फर्स्ट फॉर्म एट्रीब्यूटिवली दे के नॉट बी यूज एट्रीब्यूटिवली इसका मतलब क्या हुआ ई और वेल साथ नहीं आएंगे कभी भीम आई क्लियर सो दिस इज ए फाइंड डिफरेंस बिटवीन द एडजेक्टिव दैट वी यूज नाउ लेट्स कम टू दी हैविंग अंडरस्टुड वी हैव लर्न वॉट इज एडजेक्टिव वी हैव लर्न दैट एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन हर विशेषण के बाद क्या आता है संज्ञा आती है और बहुत बार संज्ञा के बाद विशेषण आता है उसका नाम बहुत अच्छा है क्या अच्छा है नाम अच्छा है नाम कैसा है अच्छा है विशेषता है सो देर इज अ रिलेशन बिटवीन एडजेक्टिव एंड नाउन एंड द रिलेशन इज ऑल एडजेक्टिव्स are used for indicating speaking something about noun all adjectives are used for nouns that's all okay so let's come to the types of adjectives ab hum thoda sa uska vargikaran kare adjective kitne prakar ke hain kaise hain तो सबसे पहला adjective यदि हम देखें तो पहला कहलाता है adjective of quality एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिटी मतलब गुण तो हम इसको हिंदी में कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण जो किसी व्यक्ति की क्वालिटी या गुण बताता है बहुत सरल है किसी जगह का गुण बताता है कैलकाटा इज ए बिग सिटी बिग क्वालिटी बताता है ही इज ए हैंडसम मैन ही इज एन ऑनेस्ट मैन ही इज एन हैंडसम मैन क्वालिटी बता रहा है तो so, क्वालिटी बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बहुत सरल लिखते थे दिस इज ए ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज राइट अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो प्रॉपर नाउन है जैसे इंग्लिश मैंने अभी यूज किया इंग्लिश शब्द वो इंग्लिश शब्द में कभी कभी प्रॉपर एडजेक्टिव उनको हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ आने वालों को इन द ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द फ्रेंच वाइन द फ्रेंच वाइन टर्किश टोबैको इंडियन टी भारत की चाय बड़ी प्रसिद्ध है तुर्की की तुर्की के जो तंबाकू है बड़ा प्रसिद्ध है फ्रांस की जो शराब है वाइन जिसे बोलते हैं बहुत प्रसिद्ध है सो so, इसके लिए जो हम नाउन यूज कर रहे हैं वो क्वालिटी बताता है तो गुण वाचक है और इसलिए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं क्लियर नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट इज या हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जानना है तो हम इसमें सवाल पूछ लें कैसा किस तरह का हाउ व्हाट व्हाट टाइप यदि हम ये सवाल पूछ लें तो हमें मोस्टली इसका उत्तर मिल जाएगा नेक्स्ट वी कम टू दी नेक्स्ट टाइप इज परिणाम मतलब क्या होता रिजल्ट और परिमाण मतलब क्या होता परिमाण क्या है परिमाण सोचने की और परिणाम इसमें दोनों में साफ अंतर जानने की कोशिश करिए परिणाम मैंने रिजल्ट जैसा मैंने बताया और परिमाण मतलब क्या होता है मात्रा क्वांटिटी मात्रा पहला जो एडजेक्टिव टाइप था वो गुण का था गुण से उसका संबंध था क्वालिटी से दूसरा जो एडजेक्टिव टाइप है उसका संबंध क्वांटिटी से ऐसे विशेषण जो मात्रा बताता है इन वाक्यों में जो मैंने पहले बताया था डू यू रिमेंबर एनी सेंटेंस विच शोज द मात्रा द विश शोज द क्वांटिटी मात्रा यस फाइव मैंगोस पांच आम तो उसने मुझे पांच आम दिए कितने आम दिए पांच दिए पांच क्या बताता है क्वांटिटी बताता है किसके लिए आम के लिए आम क्या है संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि पांच आम दिए तो विशेषण हुआ लेकिन यदि हम टाइप्स ऑफ विशेषण की बात करें कौन से प्रकार का विशेषण है तो वो चूंकि क्वांटिटी बता रहा है इसलिए कहेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखिए और भी उदाहरण आई एट राइस मैंने थोड़ा चावल खाया कितना चावल थोड़ा मात्रा बता रहा है ना ही शोड मच पेशेंस पेशेंस यानी धैर्य उसने बहुत धैर्य दिखाया उसने बहुत धैर्य दिखाया कितना धैर्य बहुत धैर्य ही हैज लिटिल नॉलेज का ज्ञान कैसा है थोड़ा है तो क्वांटिटी का अर्थ केवल गिनती वाली मात्रा नहीं है थोड़ा ज्यादा कम बहुत आधा पूरा कितना भी जैसे उदाहरण के लिए ही डिड नॉट ईट एनी राइस ही डिड नॉट ईट एनी चपाती तो चपाती की मात्रा बता रहा है कौन सा शब्द एनी कितना कुछ भी नहीं एनी मतलब यहाँ क्या है कुछ भी नहीं ही डिड नॉट ईट एनी चपाती उसने बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई तो चपाती की मात्रा कितनी है बिल्कुल भी नहीं है तो ये मात्रा ही तो बता रहा है ना तो इसलिए ये क्वांटिटी कहलाएगा द होल अमाउंट वॉज स्पेंट द होल अमाउंट वॉज स्पेंट स्पेंट मतलब खर्च कर दिया कितना पैसा पूरा तो वो पूरा क्या है मात्रा कितनी पूरी राइट right? सो so, पूरा तो पूरा थोड़ा ज्यादा कम आधा तीन चौथाई दस पंद्रह ये सब क्या बता रहे हैं मात्रा बता रहे हैं मात्रा बताने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अब यह नंबर की एक तीसरा टाइप है नंबर नंबर जहां पे स्पेसिफिक नंबर है क्लियर नंबर और नंबर के लिए बड़ा बहुत ही भी सरल है द हैंड हैज फाइव फिंगर्स हाथ में पांच उंगलियां और इसलिए यदि मैंने फाइव मैंगो का जो उदाहरण दिया उसे आप यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण में जोड़ें तो और बेहतर होगा क्योंकि उसमें संख्या बता रहा है एक में क्वांटिटी बता रहा है लेकिन न्यूमरल नहीं हो और दूसरे में संख्या बता रहा है तो संख्या जब बताई जाती है तो वो किस में आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर देर आर फाइव पिक्चर्स इन माई बुक All men must die. Here are some ripe mangoes. दूसरे शब्दों में कितने व्यक्ति या कितनी वस्तु या कितना ये क्रम है तब हम उसे संख्यावाचक विशेषण मिल आते हैं और संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एड्जेक्टिव ऑफ नंबर बहुत पास पास है। कई बार कन्फ्यूजन होता है लेकिन इसकी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, जिसमें नंबर जिसमें आता हो जिसमें काउंटेबल हो ऑल मेन मस्ट डाई काउंटेबल, गिन सकते हैं ना आदमियों को तो उसको हम डालेंगे संख्यात्मक विशेषण में सम राइप मैंगोज यहां पे सम शब्द जो है वो मात्रा बताता है ऐसी मात्रा जिसे हम गिन सकते हैं काउंट कर सकते हैं तो जो काउंटेबल है उसे हम संख्यात्मक में कर दें राइट देर वॉर सफिशियंट रेन आज पर्याप्त पानी गिरा तो क्या हम पानी को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते लेकिन पर्याप्त गिरा तो इसको हम किसमें डालेंगे संख्या में या क्वांटिटी में इसको हम क्वांटिटी में डालेंगे मात्रा में डालेंगे परिमाण में डालेंगे परिमाण वाचक विशेषक में डालेंगे तो अब परिमाण वाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण इन दोनों में यदि हम अंतर की बात करें तो दोनों में मात्रा है लेकिन परिमाण वाचक में ऐसी मात्राएं जिनकी गिना नहीं। ऐसी क्वांटिटी विच इज अनकाउंटेबल और यहां पर ऐसी क्वांटिटी जिस विच इज काउंटेबल राइट सो मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट डू यू लाइक क्रिकेट यस यू ऑल आर क्रेजी अबाउट सो मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट संडे इज द फर्स्ट डे संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक तो फर्स्ट डे इज इज मात्रा आई मीन इज संख्या पहला दिन सो दिस विल कम अंडर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं राइट इसमें uh, हम इसलिए और सरल बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि यदि हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कन्फ्यूजन है तो हम केवल ये सवाल पूछ लें कितने तो कितने का यदि उत्तर मिलता है तो वो किस में आएगा नंबर में आ जाएगा पाँच आठ बीस पहला दूसरा तो जहाँ नंबर आता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आ जाएगा अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के स्वयं के तीन टाइप हैं देखिए ये भी बड़ा फ़नी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमने अभी तीन टाइप पढ़ लिए किसके तीन टाइप एडजेक्टिव के पहला हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दूसरा हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तीसरा हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ नंबर अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इनटू थ्री फर्दर पार्ट्स फर्दर थ्री पार्ट्स इन दो तरीकों में आपने देखा संख्यात्मक में कि एक में मैं निश्चित संख्या बता रहा हूँ एक दो तीन पंद्रह पच्चीस और दूसरे में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा हो रहा है ये दोनों हैं संख्यात्मक दोनों हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर लेकिन दोनों अलग टाइप के एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी अलग टाइप हैं पहला वाला कहलाता है कार्डिनल नंबर कार्डिनल एडजेक्टिव क्या कहलाता है कार्डिनल एडजेक्टिव कार्डिनल एडजेक्टिव वो है जिसमें वो संख्या बताए गिनती बताए गुणात्मक क्या बताए गुणात्मक गिनती और ऑर्डिनल नंबर क्या है ऑर्डिनल जिसमें क्रम बताए फर्स्ट सेकंड थर्ड टेंथ आदि आदि तो कार्डिनल और ऑर्डिनल ये आपको समझना चाहिए कि कार्डिनल किसे कहते हैं उसमें कार्डिनल यदि जानना है तो कितने आपको उत्तर मिल जाएगा पांच पंद्रह बीस तो कितने का उत्तर जब आए तो वो संख्यात्मक विशेषण क्या कहलाएगा कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव लेकिन यदि वो कितने का उत्तर से नहीं हो बल्कि वो किस क्रम में पूछा जाए विच ऑर्डर किस क्रम में श्रृंखला फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ऐसी श्रृंखला के जो विशेषण हैं वो ऑर्डिनल कहलाता है क्या कहलाता है ऑर्डिनल राइट right? इसके बारे में थोड़ा हम आगे और पढ़ेंगे ऑर्डिनल के बारे में फिलहाल आप इतना जान लो कि कार्डिनल स्टैंड फॉर गुणात्मक एंड ऑर्डिनल स्टैंड फॉर सीरीज सीरियल पहली जो निश्चित संख्या वाला था एडजेक्टिव निश्चित संख्या वाचक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव अब दूसरा है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण जिसमें निश्चित संख्या नहीं मालूम पड़ती लेकिन काउंटेबल है ऐसे शब्द जो ना तो कार्डिनल है ऑर्डिनल हैं लेकिन संख्या बताते हैं पर निश्चित संख्या नहीं बताते उसे गिना जा सकता है दे कैन बी काउंटेड दे मे नॉट बी दे मे नॉट टेल यू दैट नंबर बट दे कैन सर्टनली टेल यू दैट इफ यू वॉन्ट यू काउंट इट एंड यू गेट द नंबर यदि आपको नंबर चाहिए तो गिन लो गिना जा सकता है फॉर एग्जाम्पल All men, all men attended the program. Oh all men log all men. Many people came to my house. One can count it. One can count it. But it is not necessary. I am not interested in knowing the exact number. All I am interested is, well, how many people came? Many people came. When we say like that, without denoting the exact number, yet being clear about the quantity. In such a case, it is called indefinite numeral adjective. All, many, few, small, some, any, certain, several, etc. etc. Several means many. Several. कार्स वे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस सेवरल कार्स वे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हाउ मैनी उत्तर तो नहीं मिला बट इफ यू वांट आंसर टू हाउ मेनी? वी आई कैन काउंट इट कार इज काउंटेबल गिना जा सकता है बट ऐसे शब्द इनडेफिनेट कहलाते हैं नाउ थर्ड कम टू द थर्ड जो नाउन है थर्ड जो एब्जेक्टिव है ये थोड़ा सा देखिएगा इसका जो हिंदी अनुवाद है प्रत्येक सूचक जिसमें प्रत्येक पर ज्यादा शब्द ध्यान दिया गया, गया। प्रत्येक सूचक संख्यावाचक है तो संख्यावाचक है तो संख्यावाचक लेकिन कैसी संख्या प्रत्येक उसमें बहुत जरूरी है बिल्कुल क्लियर है प्रत्येक अंग्रेजी में उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल अब प्रत्येक का कैसे ईच बॉय मस्ट कम टू मी उसमें ना संख्या है ना उसमें निश्चितता है ना अनिश्चितता है लेकिन क्या लिखा है प्रत्येक लड़का मेरे पास आए ईच बॉय मस्ट कम टू मी नाइदर यू केम नॉर शी केम ना वो आई ना वो आया ना वो आया ना वो आई ना इधर यू केम नॉर शी केम संख्या है दो लोग हैं लेकिन प्रत्येक पर ज्यादा जोर है ना वो आया ना ये आया ईच ऑफ यू मस्ट रिपोर्ट टू मी तुम में से हर एक को मेरे को रिपोर्ट करना है संख्या नहीं बता रहा लेकिन ये कह रहा हूं कि हर एक को कोई छूटेगा नहीं ये पंद्रह भी हो सकते हैं इतने संख्या ज्यादा भी हो सकते हैं बट काउंटेबल हैं तो काउंटेबल हैं इसलिए संख्यावाचक और संख्यावाचक में कौन से प्रत्येक सूचक प्रत्येक सूचक हर एक को जो बताता है इंडिया एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू योगा इंडिया एक्सपेक्ट एवरी मैन टू गेट वैक्सीनेटेड इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति हर कोई प्रत्येक कोई नहीं छूटेगा ये ऐसे शब्द हैं जो आ, जो किसमें आते हैं प्रत्येक सूचक विशेषण में आते हैं ना इधर यू केम नी केम अब दूसरा होता है या तो राम आए या श्याम आए आइर राम कम्स और श्याम कम्स टुमी कल किसे आना है सर मुझे आना है कि उसको आना है और मैं चाहता हूं कि दोनों में से एक कोई जरूर आए तो मैं क्या कहूंगा इधर राम कम्स और शाम कम्स और यदि मैं कहता हूं नहीं दोनों में से किसी को भी नहीं आना है न इधर रॉन ना इधर राम नॉर श्याम वेल कम ना राम आएगा ना श्याम आएगा और दूसरे वाले में क्या था या तो राम आएगा या श्याम आएगा यानी दोनों में से एक आएंगे ये क्या बताता है प्रत्येक के बारे में बताता है जितने लोगों के बारे में बात कर रहा हूं सबको संबोधित है तो इसलिए इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल हर एक को बोला गया है राइट तो दिस इज अबाउट प्रत्येक सूचक संख्या विशेषण अब एक दूसरा है एक ही विशेषण को हम कई बार परिमाण वाचक और कई बार संख्यावाचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं आप समझ रहे हैं मेरी बात परमाणुवाचक क्या है क्वांटिटी बताता है क्वांटिटी बताने वाले विशेषण काउंटेबल नहीं है मैंने कहा था ना आपको क्वांटिटी बताने वाले विशेषण काउंटेबल नहीं होते और संख्यावाचक विशेषण नंबर बताने वाले विशेषण काउंटेबल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो काउंटेबल में भी आते हैं अनकाउंटेबल में भी आते हैं परिमाण में भी आते हैं और संख्यावाचक में भी आते हैं यस लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एट सम सम राइस, राइस, आई एट मैंने थोड़ा चावल खाया ये यहाँ पर सम परिमाण वाचक है या संख्या वाचक है न्यूमरल एडजेक्टिव है इज इट न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज इट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? हियर इन दिस सेंटेंस इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्योंकि गिव मी सम मैंगोस गिव मी सम मैंगोस तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर सम बॉयज आर वेटिंग फॉर मी बाहर कुछ लड़के मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यदि मैं सवाल पूछता हूं कितने तो उत्तर मिल सकता है कि नहीं पांच सात पंद्रह बीस तो कितने का यदि उत्तर मिलता है तो काउंटेबल में आता है यानी संख्यावाचक नाउन है सो दैट बिकम्स काउंटेबल तो सम जो शब्द है एस ओ एम ई सम इसका हम दोनों में उपयोग कर सकते हैं काउंटेबल में भी अनकाउंटेबल में भी ऐसे ही दूसरा शब्द है ऑल वेल्थ ऑल ऑल मैन मस्ट डाई ऑल वेल्थ इज लॉस्ट ऑल मैन मस्ट डाई सारे आदमियों को मर जाना चाहिए ऑल वेल्थ इज लॉस्ट सारा पैसा खो दिया पैसे को सारा पैसे की जब बात होती तो गिन नहीं सकते क्योंकि तो सारा पैसा का अर्थ केवल कैश ही नहीं है सारी संपत्ति है वेल्थ मनी मैं नहीं कह रहा हूं वेल्थ अब यहां ऑल शब्द जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में है सो लाइक वाइज सम ऑल देर आर नो पिक्चर्स इन माई बुक there are no pictures in my book and there is no sense in doing this isko karne mein koi matlab nahi hai there is no sense in doing this gin sakte hain kya sense ko nahi to ye ho gaya adjective of quantity uncountable और जहां पर दूसरे में गिन सकते हैं there are no pictures in my book, तो no क्या है ऐसा शब्द है जो दोनों में जिसका उपयोग कर सकता है एक ही विशेषण प्रयोग के आधार पर परिमाणात्मक और संख्यात्मक दोनों हो सकते हैं परिमाण वाचक और संख्यावाचक दोनों हो सकते हैं क्वांटिटी और नंबर दोनों हो सकते हैं एम आई क्लियर देर इज नो देर इज इनफ शुगर इन माई हाउस एंड आई हैव इनफ स्पून देर इज इनफ शुगर इन माई हाउस मेरे घर में पर्याप्त शक्कर है एंड आई हैव इनफ स्पून इन माई हाउस मेरे घर में पर्याप्त चम्मच हैं चम्मच गिने जा सकते हैं तो काउंटेबल काउंटेबल तो संख्यावाचक शक्कर गिनी नहीं जा सकती तो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल है तो किस में जाएगा इट विल गो अंडर क्वान्टिटी In other words, there are few words which can be used both for quantity adjective and as well as for numeral adjective. Now, I told you something earlier about the cardinals. Let us learn something more on this. And while talking about it, I told you they are demonstrative adjective. This boy is better than that boy. इशारा कर रहे हैं कौन सा लड़का ये वाला लड़का दिस बॉय इज बेटर देन दैट बॉय ये डेमोन्स्ट्रेटिव है इशारा कर रहे इन टेस्ट दीज मैंगोव आर एक्सलेंट इन टेस्ट ये जो आम हैं स्वाद में बड़े स्वादिष्ट हैं सिमिलरली डोंट बी इन सच ए हरी हरी मतलब जल्दी अप हरी हरि अप बोलते हैं ना कम ऑन हरी द क्लास क्विकली असेंबली में बुलाते हैं तो टीचर्स लोग आवाज देते हैं हरी अप हरी तो वहां क्या होता है एच यू डबल आर वाई यू पी अप मतलब जल्दी करो हरी मने जल्दी करना टू हरी मने जल्दी करना यहां पर जो मैं बोलना चाह रहा हूं डोंट बी इन सच ए हरी कैसे हरी में सच ए हरी ऐसी वाली जल्दी मत करो सच मतलब ऐसी वाली डोंट बी इन सच ए हरी कैसी वाली जल्दी ऐसी वाली जल्दी तो किसी की तरफ संकेत कर रहे हैं किसी तरफ इशारा कर रहे हैं किसी तरफ निर्देशित कर रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हैं उस वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एब्जेक्टिव का उत्तर जो है वो हम कौन से के प्रश्न के उत्तर में पा लेते हैं कौन से वो लड़का कौन सा वो लड़की कौन सी कैसा कौन सा राइट दिस और दैट का प्रयोग एक वचन में होता है तो दीज और दोस का प्रयोग बहुवचन में होगा देन दीज बॉयज बिल्कुल सही है तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है नेक्स्ट इज वॉट विच और ये तीन शब्द हैं वॉट मतलब क्या विच मतलब कौन सा और हुज माने किन का मैं फिर से दोहरा दूं वॉट मतलब क्या विच कौन सा और तीसरा है हुज किसका ये तीन का उत्तर जब मिले तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वो कहलाता है वॉट मैनर ऑफ मैन इज ही किस तरह का आदमी वो है वॉट विच वे शुड वी गो हम किस रास्ते विच वे शुड वी गो यार हम क्या करें किस रास्ते चलें इधर से चलें या इधर से चलें एक आदमी कुछ कह रहा है एक आदमी कुछ कह रहा है एक दोस्त कुछ कह रहा है एक दोस्त कुछ और सुझाव दे रहा है विच वे शुड वी गो किस रास्ते चलें? यह हम सवाल पूछ रहे हैं सवाल पूछने को क्या कहते हैं इंटरोगेट क्या कहते हैं इंटरोगेट प्रश्न करना जो पुलिस वाले होते हैं वो अपराधियों से थाने में क्या करते हैं पकड़ के ले जाते हैं तो पिटाई तो करते ही हैं उसके बाद उनसे सवाल पूछते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अपराधियों का इंटरोगेशन चल रहा है क्या चल रहा है इंटरोगेशन सवाल जवाब चल रहा है सवाल जवाब मतलब इंटरोगेशन उसी से बना इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जब आप लोग कभी कुछ स्कूल में कुछ गर्व करते हैं प्रिंसिपल और योर your headmaster योर टीचर कॉल्स यू इन टू ए रूम आपको एक कमरे में बुलाते हैं अकेले बुलाते हैं या दो लोगों को बुलाते हैं और फिर सवाल जवाब करते हैं सवाल जवाब के बाद जब आप बाहर जाते हैं और आपके दोस्त पूछते हैं वहाँ क्या हो रहा था क्या चल रहा था तो आप क्या बोलेंगे अरे भाई वहां इंटरोगेसन चल रहा था क्या चल रहा था इंटरोगेशन इंटरोगेशन मतलब सवाल जवाब उसी से बना वट काइंड ऑफ पर्सन यू आर वॉट काइंड ऑफ बुक इज इट ये कैसी किताब है अच्छी किताब है तो वॉट जो है वो इंटरागेटिव एब्जेक्टिव है हु इज दिस ये किसकी किताब है हुज मतलब किसकी तो ऐसे शब्दों को जो प्रश्नवाचक विशेषण है प्रश्नवाचक विशेषण उसे हम अंग्रेजी में इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यदि कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ उसमें प्रश्न संबंधी शब्द हैं और प्रश्न संबंधी शब्द मैंने बताया आपको वॉट विच और हूस विच वे टू गो किस रास्ते चले विच पर्सन टू फॉलो किसका हम पालन करें किस व्यक्ति का हम पालन करें सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव गुणात्मक संख्यात्मक एंड देन थ्री डिफरेंसेस अमंग दोस देयर आफ्टर वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द गैप्स एंड लास्ट वॉज द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक या डू नॉट इंटरोगेट मी मुझसे सवाल मत करो ये शब्द एक पूछा जाता है कहा डू नॉट इंटरोगेट मी कॉल दैट बॉय आई वॉन्ट टू इंटरोगेट हिम उस लड़के को बुलाओ मैं उससे सवाल जवाब करना चाहता हूं क्योंकि कुछ गलतियां हुई कुछ गड़बड़ी हुई है क्लास के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है तो आई वॉन्ट टू इंटरोगेट दिस पीपल कॉल राम मोहन सोहन आई वॉन्ट टू इंटरोगेट दम अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह इंटरागेशन का मीनिंग और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स